हमका पाप लगा है मम्मा। मेरी मम्मा इनको ऐसे देखा। दिल है छोटा सा, छोटी सी भाषा, पिंग पिंग मस्ती भरे मन की, पिंग पिंग उड़ने की आशा, चांद तारों को लेकी आशा भाई लोग, मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता, इतना ज्यादा ठंडी है, मतलब नहीं मन नहीं होता कुछ करने का। जैसे आज रिपब्लिक डे है, हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। बिलेटेड आज मेरा प्लान्स था कि मतलब दिल्ली में तो बड़ा मस्त इंडिया गेट के पास मार्च पास्ट होता है, बट मेरा सुबह वो क्लास था जो कैंसल हो गया, और मेरे को सुबह सुबह लास्ट मोमेंट पे पता चला, और वो अर्ली मॉर्निंग होता है, और कल रात को मैं 3 बजे सोया था व्लॉग एडिट करके। उससे मुझे याद आया कल के ब्लॉग के बारे में अपन बात करेंगे। कल का ब्लॉग सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत फनी था, मतलब मेरे को भी बहुत ज्यादा फनी लगा इसका भी और मेरा भी। इसका तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम लोगों को जाके देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ऑफ कोर्स तुमको पसंद आएगा, लड़की दो बार तो डालती है, इतना तो तुम लोग देख ही सकते हो, देखना चाहिए, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। और तुम लोग मेरी लड़की को ज्यादा हाइप करोगे मेरे से भी ज्यादा। अपने इस पे तो 400 कमेंट क्रॉस किए ले, ये वीडियो अपने को करने समझा गया। ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं, वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन YouTube। और मेरे को बता दो आप सारे के बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है हमारा, इतना हम लोग को पसंद है और हम लोग के पास इतना कुछ है उसके ऊपर बात करने को कि हम लोग बात ही नहीं करते, क्योंकि फिर पूरा टाइम वही हो जाएगा, बहुत कैरिड अवे हो जाएंगे और शायद से वो वीडियो 2-2.5 घंटे का बन जाएगा। हाँ, इसलिए हम लोग अवॉइड कर रहे थे। बट एक सब्सक्राइबर है मेरा जो पिछले 6-7 महीने कंटिन्यूअसली हर वीडियो पे उसने डाला हुआ है कि आई वॉन्ट एनिमे कॉन्ट, आज ये वीडियो उसके नाम है। ये वीडियो रहेगा हमारा एनिमे रिकमेंडेशन फॉर द ईयर 2022, काइंड ऑफ लाइक अ बकेट लिस्ट जो डेफिनेटली हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे एनिमेस है इतने सारे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान के जितने इमोशंस है वो सारे इमोशंस को मैच करने के लिए अलग अलग एनिमे है ना। मतलब तुमको अगर ड्रामा पसंद है ड्रामा के लिए एनिमे, एडवेंचर पसंद है एडवेंचर के लिए एनिमे, साईफाई पसंद है फ्यूचरिस्टिक पसंद है स्कैरी पसंद है थ्रिलर पसंद है गोर पसंद है, सारे चीज के लिए एनिमे है ना। तो इसके लिए एक बकेट लिस्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट टाइम्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग दोनों बहुत ज्यादा मतलब एकदम वीब है हम लोग, या हम लोग मॉडरेट वीब है, या हम लोग मतलब हवा बहती गंगा में हाथ धोते हैं, हमको नहीं पता, वो तुम लोग ये वीडियो के बाद तुम लोग डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन आर रिकमेंडेशन। इफ यू आर एन एनिमे एंथुसियास्ट मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। इफ यू आर समवन हु इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि मैं कौन सा एनिमे कहां से कैसे चालू करूं, दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू गाइस। स्टॉप द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक। और तुमको पता ही नहीं है क्या, हम रैंडमली पहुंच गए तो भी लाइक द पट से जाके लाइक। इसी के साथ हम लोग चालू करते हैं वीडियो को। ये वीडियो में हम लोग उस एनिमे के बारे में बात करेंगे जो हम लोग ने देखा है और हम लोग रेकमेंड करना चाहते हैं तुम लोग को, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग हमारे top 3 रेकमेंडेशन तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देख। top 3 या टोटल मिलना बहुत मुश्किल है। top 3 फिर उसमें से तुम डिसाइड कर सकते हो। yep. है कि कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एनिमे को। एक कैटेगरी बहुत ज्यादा टाइम, मतलब जो लोग मतलब कंटिन्यूस वो लोग के पास 3-4 महीने का टाइम है और लूप में वो लोग एनिमे देख सकते। दूसरा टाइम निकाल लूंगा वैसा वाला, कि मतलब आज के दिन में मैंने टाइम निकाल लिया 3 घंटा, कल मेरे को काम है परसों फिर मैंने रात कल मेरे को काम है तो मैंने रात को 2 घंटे का टाइम निकाल लिया ऐसा, मतलब ब्रेक ब्रेक में जो हमारी तरह। और तीसरा कि तू भाई बता डाल, अच्छा लगा तो देख लूंगा नहीं लगा तो बंद कर, ऐसा तो एक दिन में तुमको खत्म करने है ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है। सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग, तब ये तुम लोग खत्म करने को बहुत टाइम लगने है। हम लोग ने नारुतो चालू किया था 1.5 साल पहले लास्ट लॉकडाउन में, अब तक हम लोग कंप्लीट ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना काम होता है, मतलब और भी अलग अलग चीजें हम लोग देखते रहते हैं। अभी भी लास्ट के 30 या 20 एपिसोड हमारे बाकी है, बट ऑलमोस्ट सब कुछ ही खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते, सबसे पहला है द बिग 3, इसमें आता है ड्रैगन बॉल जी, नारुतो और ब्लीच। ब्लीच हमने नहीं देखा है। ड्रैगन बॉल जी एक एकदम बड़ा सीरीज है, मतलब जिसमें जीटी जी सुपर बहुत सारे मूवीज है, उसमें
कलेक्टिव तो मतलब गिन लो कि तुम लोग को मोर देन 800 एपिसोड्स देखने ही देखने हैं, प्लस मूवीज अलग है उसके। तो अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो तुम लोग वो देख सकते हो। एक शॉर्ट समरी देख देता हूँ मैं कि ड्रैगन बॉल जी किसके ऊपर है, तुमको भी बता देता हूँ, है ना, कि बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का है जो सेयन के इससे आता है। सेयन एक ऐसा ह्यूमन कैटेगरी है जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हर फाइट के बाद वो लोग स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं रेस्ट लेने के बाद। तो उसके ऊपर बेस्ड है ये पूरा, गोकू के ऊपर, और वो अर्थ पे ड्रैगन बॉल ढूंढते रहता है। तो 7 ड्रैगन बॉल्स होते हैं, अगर तुम उसको कलेक्ट कर लोगे तो तुमको एक विश मिलता है, और वो कभी भी मतलब वो कोई भी एक विश तुम कंप्लीट कर सकते हो। तो यही पूरा इसके ऊपर ही अराउंड रिवॉल्व करते रहता है, और जर्नी में मतलब वो बहुत सारे ऐसे नए नए फ्रेंड्स बनाता है, एनिमीज बनाता है, बहुत सारा कुछ सीखने को है। तो ये हुआ ड्रैगन बॉल जी का, मतलब ड्रैगन बॉल का एक ऐसा ये। सो नारुतो एज तुमने बोला वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एनिमेज है, बट आई थिंक इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनिमेज ऑफ ऑल टाइम्स। मतलब नारुतो से इंस्पायर्ड कितने एनिमेज है, कितने मूवीज है, मतलब एक पूरा कल्चर है, काइंड ऑफ लेजेंडरी एनिमे। हाँ, सो दैट अगर वो चीज तुम लोगों को कंपेल नहीं कर सकता नारुतो देखने के लिए, देन आई डोंट थिंक कोई भी चीज कर सकता है। बट उसका थोड़ा बहुत ऐसा डिटेल्स देती हूँ, इट इज अबाउट द मेन प्रोटैगनिस्ट नारुतो एंड हिज लाइफ। But it's not just about a boy in a village or uske friends or ye sab. It is about a lot more. Politics, warfare, family. One of, matlab, some of the most epic villains. Matlab, oh, Naruto villains. Oh my god. Villains bhi nahi hai wo log, antagonists hai. So, I think once you watch Naruto, your outlook on life will completely change. That is what we both think. Naruto ke baad aata hai My Hero Academia, jo abhi bhi main dekh raha hu, last season mein dekh raha hu abhi. Wo bhi bahut acha hai, aisa uske upar detail mein baat nahi karenge. Matlab tum log dekh sakte ho. But agar tum logo legendary iske sath chalu karne ka hai, to ya to tum log Dragon Ball se chalu karo, ya to Naruto chalu karo, ya to Attack on Titan chalu karo. Ekdam latest wala एनिमे है वो, मतलब ईयर 2022 में नहीं 2020 में आया हुआ है, और मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब वन ऑफ द एकदम ओरिजिनल, मतलब जैसा नारुतो है अभी से 18 साल पहले शायद से आया था नारुतो, अभी से 18 साल बाद लोग अटैक ऑन टाइटन्स के बारे में बात करेंगे, ऐसा एनिमे। तो अगर तुम लोग को एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री बनने गए, तुम लोग अटैक ऑन टाइटन्स देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली वो एक गांव के ऊपर है जहां पर टाइटन्स अटैक करते हैं, और उसको बचाने के लिए वही वॉर वो लोग दिखाते रहते कि कैसे ये करेंगे, और टाइटन्स मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे अजीब से ह्यूमन खाने वाले लोग रहते। तो बहुत अच्छा ये है, बेसिकली एक पोस्ट अपोकलिप्स वाला वर्ल्ड दिखा है, उसके विजुअल्स इतने एक्शन, Oh my God. एकदम नया एनिमे है, तो एकदम मतलब हाई क्लास ही हो गया, मतलब सब कुछ इवॉल्व होके आ गया, तो ऐसा है, समझ में आ रहा है। तो देखो नेक्स्ट आते हैं अपन वो लोगों के पास जो लोग हमारी तरह मतलब टाइम देते हैं, है ना, ऐसा बिंज करने के लिए 8 घंटा नहीं है, जो लोग इधर उधर जिम जाते हैं, काम पे जाते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी है जैसा भी है, उनके लिए तुम लोग चालू कर सकते हो। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा टोक्यो गुल, है ना, 3 सीजन है उसका, शायद से सेकेंड सीजन थोड़ा सा ये है ऊपर नीचे है, शायद से ऐसा रॉन्ग है लोग, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ था, हमने पढ़ा था ना कि मांगा में सही लिखा हुआ है, तो सेकंड है या थर्ड है मेरे को याद नहीं है इतना, मैंने बहुत पहले देखा था। बट टोक्यो घुल इज वन ऑफ द मोस्ट, मेरा फेवरेट एनिमे है, और मैं इतना इन्फ्लुएंस हो गया था वो इससे कि मैंने ब्लैक नेल पेंट करना चालू कर दिया था केनकानी को देख के। तो बेसिकली ये एक ऐसा गूल्स के ऊपर है, गूल्स एक क्रीचर होते हैं जो इंसान खा के सर्वाइव करते हैं, काइंड ऑफ लाइक वैम्पायर्स, है ना, जो ह्यूमन ब्लड ह्यूमन फ्लैश पे सर्वाइव करते हैं, और उसी के ऊपर है, मतलब बहुत अच्छा एकदम नाइस एनिमे, छोटा है और बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा गोर है, मतलब अगर तुम लोग को ब्लड वर्ड पसंद नहीं है तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, अगर तुम लोग वीक हार्टेड हो तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, थोड़ा सा ऐसा हॉरिफाइंग और गोर है, मतलब ऐसा काटना फूटना फ्लैश वैश कट रहा है वैसा है, बट मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ऐसे एनिमे, तो मैंने देखा वो। दूसरा है जुजुत्सु काइसेन, जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम कैरेक्टर्स जितने भी है और जितने भी अच्छे कलर्स यूज किए गए हैं वो जुजुत्सु काइसेन में, एक्शन टॉप क्लास, उफ, तो सब कुछ ही बहुत अच्छा है जुजुत्सु काइसेन में। मेरे को शायद से एनिमे ऑफ द ईयर था ना जुजुत्सु काइसेन 2022 या 2021, कोई तो भी एक इसका एनिमे ऑफ द ईयर था।
स्टोरी लाइन प्लॉट सब कुछ इतना ओरिजिनल, थोड़े से कैरेक्टर्स इन्फ्लुएंस लगते हैं नारुतो से अगर तुम देखोगे तो, क्योंकि उसका राइटर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है राइटर, वो तुम लोगों को नारुतो देखना पड़ेगा फिर जाके तुमको समझ में आएगा। तो उसका जो राइटर है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था नारुतो से, तो उसने उससे इन्फ्लुएंस होके उसके कैरेक्टर्स बनाया। तो जिन लोगों ने भी नारुतो देखा है, नारुतो फैंस है, तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगा ये वाला। तो जुजुत्सु काइसेन डेफिनेट वॉच। तो जुजुत्सु काइसेन वर्क करता है कर्सेस के ऊपर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कर्स होते हैं, सो बेसिकली वर्ल्ड में जितने भी कर्सेस हैं, लाइक मतलब जो इवल कर्सेस होते हैं, जैसे हम लोग किसी को कर्स करते हैं या फिर जो भी इवल एलिमेंट्स हैं, वो ह्यूमन आई को नहीं दिखते हैं बट इन सोर्सरर्स को दिखते हैं। सो ये लोग उनसे फाइट करते हैं एंड वो एक, और वो कर्स एक फिजिकल फॉर्म में आ जाता है मॉन्स्टर की तरह। और बेस्ट पार्ट है कि जो मतलब आइडियली सबसे बड़ा एंटागनिस्ट है वही मेन हीरो है इसमें। हाँ, और मतलब तुम लोग हेल्प नहीं कर पाओगे बट तुम लोग बाय द एंड उसको ही चीयर ऑन करने वाले हो। सो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मतलब स्पॉइलर है। सुकुनो मा मैन, इट्स माय मैन, ही इज माय मैन। तो जुजुत्सु काइसेन फॉर श्योर देखना है तुम लोग। उसके बाद है डेमन स्लेयर। ये मतलब शॉर्ट एनिमेज में भी आया और इसमें भी आया, बट हम लोग एकदम ज्यादा हाईली रेकमेंड कर रहे हैं डेमन स्लेयर, क्योंकि नहीं हो सकता इससे अच्छा कुछ। इस ये तो नहीं देखने वाली थी अगली ये कैरेक्टर्स बोल के, ये नहीं देखने वाली थी। मैंने इसको जबरदस्ती बताया कि देखो इतना अच्छा ये है, इतना अच्छा एक्शन है, इतना अच्छा स्टोरी है। मैंने एक पूरा सीजन कंप्लीट करके वापस से इसके साथ देखा और अभी ये इतनी हुक्ट हो गई है उससे कि वो अभी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। इतना ही तुम्हारे लिए काफी है, समझ में आ रहा है। लास्ट वीडियो में हमने उसके कैरेक्टर्स के नाम भी लिए हुए कि हम कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, मैं ज़ेनित्सु होता और ये उज़ुई होती, तो डेमन स्लेयर के ही है। तो इसका मूवी देखने गए थे ना? हाँ, इसका मूवी हमने थिएटर में देखा था दो बार। एक बार घर पे देखा है जैसे ही आया था, और उसके बाद इंडिया में जब थिएटर में आया तब भी हम देखने गए। तो तुम लोग समझ लो कितना इम्पोर्टेंट है ये मूवी देखना, और हम दोनों बार। अनदर स्पॉइलर। That's और right. मतलब there's this thing कि मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ विजुअल्स का, तो मेरे हिसाब से, मेरे मतलब सिर्फ मेरे हिसाब से, आई डोंट थिंक डेमन स्लेयर से ज्यादा ब्यूटीफुल कोई भी एनिमे है विजुअली। मतलब इतना ब्यूटीफुल, मतलब ऑब्सेस होने वाले तुम लोग। और बहुत कूल चीज है कि वो नेटफ्लिक्स पे है। हाँ, जुजुत्सु काइसेन भी नेटफ्लिक्स पे है। थर्ड आता है जो लोग के पास मतलब एक ट्राई करना चाहते, मतलब तू बता दे भाई कोई एक अच्छा सा बता दे, मैं ट्राई करता हूँ देखने का, उनके लिए सबसे पहला एंड द मोस्ट फेवरेट, जिससे मतलब हमारे में वापस से एनिमे का इंटरेस्ट जागा है, जो लेजेंडरी एनिमे डेथ नोट। वो हमारा फर्स्ट एनिमे है ना? हाँ, हमारा फर्स्ट एनिमे है, तो ये हमारी तरफ से मतलब हम दोनों का फर्स्ट एनिमे साथ। हाँ, हम दोनों का। डेथ नोट बेसिकली 28 या 27 एपिसोड का है, इतना मेरे को याद नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमे एवर। मतलब इससे ज्यादा अच्छा, इससे अच्छा वेल रिटन, वेल थॉट, वेल कैरेक्टराइज्ड, वेल मतलब बोलते ना जो भी वेल बोल लो, वेल के आगे जो भी वर्ड लगा लो वो सब वर्ड इसके साथ जाता है। क्योंकि और ऐसा भी है कि ये वन ऑफ द ओनली एनिमे है इन द वर्ल्ड विच हैज नो लूप होल्स। मतलब दैट इज अ ह्यूज थिंग, क्योंकि लोग एनिमे को इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने जीनियस लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई भी प्लॉट होल नहीं होना ह्यूज बहुत बड़ा बात। अरे मतलब उफ, इतना इंटेलिजेंट एनिमे जिंदगी में नहीं देखा, मेरे को अभी भी गूज़बम्स आते। म्यूजिक पूछ लो, कलर्स बोल लो, जितने भी कैरेक्टर्स है इनसेन। ये डेथ नोट के ऊपर तो हम लोग ने लॉकडाउन में भी वीडियो बनाया था, मूवी वर्सेस ये लाइव एक्शन मूवी को हमने कंपेयर किया था, उससे तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो डेथ नोट फॉर श्योर तुम लोगों को देखना है। डेथ नोट का समरी ये है कि एक गॉड ऑफ डेथ होता है जिसको शिनिगामी बोलते हैं जापानीज में। तो वो क्या करता है, बोर हो जाता है तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में अपना बुक छोड़ देता है, उसका नाम होता है डेथ नोट। अब डेथ नोट ऐसे वर्क करता है कि तुम वो बुक में जिसका भी नाम लिखोगे Within 30 या 60 seconds वो इंसान मर जाएगा। अगर कॉज लिखोगे तो कॉज के साथ मरेगा, अगर कॉज नहीं लिखोगे तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो अब वो बुक एक स्कूल बॉय के हाथ में लग जाता है, लाइट नाम के स्कूल बॉय के हाथ में लग जाता है। और वो लड़का इतना इंटेलिजेंट, उसने लास्ट तक जो वो डेथ नोट छुपा के रखा है बस इतना ही, ठीक है। ये एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर, और दूसरा इंटेलिजेंट कैरेक्टर आता है एल,
जो डिटेक्टिव होता है, क्योंकि बहुत सारे डेथ होने लगते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ढूंढने के लिए कि कैसे होता है. ये दोनों का जो इंटेलेक्चुअल वॉर बताया हुआ है इतना स्मूथ और इतना तुम लोग नहीं बिलीव कर सकते, तुम लोगों को देखना पड़ेगा. समझे? नेक्स्ट है काके गुरुई. मेरे को ऐसा लगता है वन ऑफ द हॉटेस्ट एनिमे. हाँ यार, तुम मानो या ना मानो, ठीक है, सीजन टू इतना खास नहीं है, इतना एंगेजिंग नहीं है, बट सीजन वन, तो ये जो सीरीज है बेसिकली गैम्बलिंग के ऊपर है. तो स्कूल के बॉयज एंड गर्ल्स फोकट शौक के लिए गैम्बल करते हैं, और गैम्बलिंग बढ़ते 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 लाइफ एंड डेथ के बीच में ये हो जाता है. तो वो इतना ज्यादा ऐसा, मतलब तुम्हारा हार्ट बीट ऐसा फास्ट हो जाएगा, तुम सोचोगे कि होने क्या वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है. तो अगर तुमको देखने का तो तुम लोग सीजन वन से चालू कर सकते हो. सीजन टू इतना खास नहीं है, ठीक ठाक है. दूसरा है डेविल मैन क्राई बेबी. तो ये मतलब ऐसा बहुत ही वियर्ड तरीके से अच्छा एनिमे नेटफ्लिक्स पे. हम लोग ने ऐसे ट्राई करने के लिए देखा था, और बहुत मतलब बोलते ना ऐसा ट्रिप, हाँ, ट्रिप देने वाला एनिमे. तो अगर तुम लोग ऐसा मतलब ट्रिपी चीजें पसंद है तो तुम लोग वो एनिमे ट्राई कर सकते हो. नेटफ्लिक्स पे है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है. वन ऑफ माई फेवरेट एंड वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे इट इज पैरासाइट. ये हमने लॉकडाउन में हम लोग को ऐसा शौक चढ़ा था कि हम कौन सा एनिमे देख सकते हैं, हमको नया नया ट्राई करने. हमने दो एनिमे डिस्कवर किए, एक टेरर इन रेजोनेंस और एक पैरासाइट. माइंड ब्लोइंग. गिव इट अ ट्राई, है ना. ये भी मतलब एलियंस के ऊपर है पैरासाइट, और टेरर इन रेजोनेंस टेररिस्ट अटैक रोकने के ऊपर है. दो भाई और एक बहन मिलके टेररिस्ट अटैक रोकते हैं हर जगह पर. वो लोग ही प्लान करते हैं, ऐसा कुछ तो भी रहता है. स्कैम्स के ऊपर है. तो आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच. बाकी हमने और भी देखे हुए हैं, जैसे मूवीज देखे हुए हैं, स्पिरिटेड अवे हो गया, योर नेम हो गया, 5 cm/s हो गया, अ साइलेंट वॉइस हो गया, आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज हो गया, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, ये सारे मूवीज हमने देखे हुए हैं. और मतलब बहुत कुछ है ऐसा. मूवीज मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मूवीज उतना ज्यादा डिटेल्ड और तुमको एनिमे का हंगर नहीं देगा जितना तुमको सीरीज देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन, बहुत ज्यादा क्लिफ हैंगर्स होता है जिससे तुम लोग का इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा चीजों में, और बहुत ज्यादा टाइम भी होता है सब कुछ समझने के लिए. मूवी कैसा आता है खत्म हो जाए. बट जो भी मैंने मूवीज बताया वो तुम लोग स्टॉप कर करके ढूंढ के देख सकते हो, बहुत अमेजिंग मूवीज है. अगर एक ही मूवी देखना है तो ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज देखना. हाँ, वो तो यूट्यूब पे भी है, तुम लोग मतलब रो रो के पागल हो जाओ. और एक हम लोग ने एक बैन मूवी देखा था मालूम है YouTube पे. बहुत सारा है, हम लोग ने वो लिखा नहीं है. ये फिलहाल हम लोगों को जितना याद है हम लोग ने उतना लिखा है. हाँ, मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों ने हम लोग को टोक्यो रिवेंजर्स देखने बोला हुआ है. फुल मेटल अल्केमिस्ट मैंने चालू किया है बट आधे इसमें छोड़ दिया. हंटर भी देखना है, ब्लीच भी देखना है. बहुत सारा एनिमेज है जो हम लोग को देखना है, बट ये सब एलिट एनिमेज है वन ऑफ द जो हम लोग ने देखा हुआ. ये सबके लिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए. अभी वन पीस में भी 800 एपिसोड है भाई, नारुतो ही खत्म नहीं हो रहा, वो देखते देखते तो बुड्ढे हो जाएंगे, है ना. बट ट्राई करेंगे हम लोग, चालू करेंगे, है कि नहीं. बाकी तुम लोग हम लोग को बता देना कि तुम लोग को हमारा टेस्ट कैसा लगा और तुम्हारा टॉप 3 रिकमेंडेशन. ओ, मैं क्यों पहले बोलूंगी, तुम बोल. मेरे को अगर बोलना है तो डेफिनेटली नारुतो, दूसरा टोक्यो गुल, और तीसरा मेरा नारुतो अगर खत्म कर पाओ तो, सेकंड पे डेमन स्लेयर, थर्ड पे डेथ नोट. व्हाट अ फेयर. हाँ, डेथ नोट ना डेफिनेटली डेथ नोट थोड़ा सा और ऊपर होता, बट अभी मेरे को थोड़ा ऑब्सेशन है डेमन स्लेयर से. तो ये हमारे टॉप 3 रिकमेंडेशन है. तुम लोग इसमें से कोई भी पिक करके जो तुमको चाहिए वो तुम लोग देख सकते हो, है कि नहीं. और बाकी तुम लोग और सजेशंस भी डाल सकते हो, लोगों को हेल्प भी कर सकते हो एनिमे फ्री में देखने के लिए. साइट्स कमेंट पे डाल देना, है ना, एंड्रॉइड यूजर और iOS यूजर्स दोनों के लिए. वो हम लोग को भी हेल्प होएगा इन फ्यूचर अगर हम लोग को देखना है तो. और बाकी आज के लिए तो इतना ही रखना चाहिए. मेरे को एक शॉर्ट वीडियो मुझे डालना था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि कोई भी दिन मेरे को मिस नहीं करना है, और कैसे ना कैसे करके निकल रहे हैं. भले ही सब कुछ बंद है, सब कुछ fucked up है, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई नो यू गाइज आर सपोर्टिंग मी टू द फुलेस्ट एंड आई लव यू गाइज फॉर दैट. आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं. तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है. तुम लोगों को करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट. और अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली कॉमेंट बहुत ज्यादा बार करो. एक ही नहीं गोल रखते कि हम लोग 500 कॉमेंट के ऊपर जा पाए. बाकी आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस. ठीक है, मेरे को मेरे पेट से आवाज आ रहा है.
भूख लगा है मेरे को इसके लिए। स्कूटी चल रहा है अंदर मेरे को जेडविडली पावर के साथ तीन चार चीज एक साथ होता है, पेट से आवाज भी आ रही है, बात भी करने गए, ब्लॉग भी बनाने गए, सब्सक्राइबर के बारे में केयर भी कर रहा है, बॉडी स्क्रीनशॉट ले लेगा और बहुत नींद आ रहा है उसका, बॉडी एक बार तो हिचक करके ऐसा कुछ तो करेगा मेरे को लगता है।